हेलो गाइस, तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों का फिर से स्वागत कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसे मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर आ चुका हूं जो आपको डर का एहसास दिला देगी। कुछ समय पहले एक मूवी ने काफ़ी ज़्यादा धूम मचाई थी जिसका नाम था वेरोनिका। वेरोनिका की कहानी ऐसी थी कि एक लड़की क्विजा बोर्ड की मदद से अपने पिता की आत्मा को बुलाने के चक्कर में एक प्रेतवाहित आत्मा को बुला लेती है जो कि उसे परेशान करती है और लास्ट में उसे मार डालती है। उसी का प्रीक्वल रिलीज हुआ है जिसका नाम है सिस्टर डेथ। इसमें हम ये देखेंगे कि सिस्टर नार्सिया सिस्टर डेथ कैसे बनी और उसकी आंखें जैसी थी वो कैसी हुई। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पैको प्लाजा ने। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें कि मेरे द्वारा भविष्य में बनाए जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, क्योंकि दोस्तों मैं इस प्रकार का वीडियो हमेशा बनाता रहता हूँ। तो लेट नहीं करते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है स्पेन 1939, जहां हम ये देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची अपने हाथ में क्रॉस पकड़कर खड़ी हुई थी और ढेर सारे लोग उसके चारों तरफ खड़े थे और वे लोग उस छोटी सी बच्ची की पूजा कर रहे थे। यहां से शुरुआत होती है चैप्टर 1 की जिसका नाम है द होली गर्ल। यहां से सीन 10 साल बाद शिफ्ट हो जाती है जहां हम सिस्टर नार्सिया को देखते हैं जो कि एक कॉन्वेंट में आई हुई थी। वहां उसकी मुलाकात सिस्टर हुलिया से होती है जो सिस्टर हुलिया सिस्टर नार्सिया को मदर सुप्रियन से मिलवाने के लिए ले जाती है। वहां हम ये देखते हैं कि मदर सुप्रियन के चैम्बर के बाहर सिस्टर नार्सिसा को एक ब्लैक मार्बल जमीन पर दिखती है जो कि अपने आप रोल होके उनके पास आ गया था। इससे पहले नार्सिसा और कुछ समझती, मदर सुप्रियर उसे अपने चैम्बर बुलाती है और वो सिस्टर नार्सिसा से मिलकर काफ़ी खुश नजर आ रही थी। इस कॉन्वेंट में गरीब घर की बच्चियाँ पढ़ती थी और नार्सिसा उन्हें लैंग्वेज लिटरेचर और नेचुरल साइंस वगैरह पढ़ाने वाली थी। यहाँ हम एक और बात जान पाते हैं कि मूवी के पहले सीन में जो बच्ची थी वो और कोई नहीं सिस्टर नार्सिसा थी जो पूरी कम्युनिटी को इंस्पायर कर रही थी और इससे उसका नाम पेपर वगैरह में भी आ गया था। नार्सिसा यहाँ से स्टाइनस को रिप्लेस कर रही थी जो कि मदर सुपीरियर के हिसाब से अपने बूढ़े पेरेंट्स का ख्याल रखने के लिए चली गई थी। मदर सुपीरियर कहती है कि नार्सिसा को भी वाव लेना पड़ेगा और यह सुनकर नार्सिसा थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट रिएक्ट करती है क्योंकि उसे पहले से वाव लेने वाली बात पता नहीं थी। तो इसके बाद नार्सिसा अपने कमरे में चली जाती है जहाँ उसे एक सिगार बॉक्स मिलती है। इस बॉक्स के अंदर कुछ लेटर्स, एक कैंची और साथ में एक फोटो जो कि किसी सिस्टर सोकोर की थी। इसके बाद वहां कमरे में नार्सिसा को कुछ असाधारण आवाज सुनाई देती है, साथ ही उनके कमरे के चेयर अपने आप गिर जाती है। कमरे के बाहर उन्हें दीवार पे हैंगमैन की अधूरी हैंड ड्रॉइंग भी दिखाई देती है। खैर, इसके बाद हम नार्सिसा को लेटिन मास में देखते हैं और मास के बाद वो कन्फेशन बॉक्स में प्रीस्ट से कुछ बातें कर रही होती है। यहाँ नार्सिसा बेसिकली अपने फेथ काइंड ऑफ क्वेश्चन कर रही थी और साथ ही वो अपनी सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ को लेकर इनसिक्योर थी। अब ये एबिलिटी कुछ खतरनाक सुपर नेचुरल नहीं है बल्कि कुछ ऐसा है जहाँ वो हाई पावर को फिल कर पाती है, उनसे कनेक्ट कर पाती है, तभी तो वो बच्ची ने पूरे कम्युनिटीज़ को इंस्पायर कर पाई थी। ये सब सुनकर प्रिस्ट कहते हैं कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ लेकिन फिलहाल तुम अपना ध्यान इस कॉन्वेंट में लगाओ। खैर, इसके बाद नार्सिसा अपना क्लास लेने के लिए चली जाती है जहां वो बोर्ड में अपना नाम लिखी रही होती है कि एक रोजा नाम की बच्ची सुसु कर दी थी। नार्सिसा रोजा को क्लीन अप करने के लिए भेजती है और रोजा के पीछे उसकी बहन भी जाती है। क्लास के बाद सिस्टर नार्सिसा को मदर सुपीरियर एक एल्बम दिखा रही होती है जिसमें कई सिस्टर्स की तस्वीरें भी थी लेकिन इनमें से एक तस्वीर वाला स्टॉक खाली था। अब उस रात नार्सिसा को अपने कमरे में फिर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है और बाहर देखने पे उसे वही मार्बल जमीन पे मिलता है। ये मार्बल रोल होने लगता है और इसका पीछा करते करते नार्सिसा एक शिला में पहुंचती है जहां कई रिलीजियस आइटम थे। यहां नार्सिसा को एक रेलिक मिलता है विच वॉज द सेंटा मार्टा हैंड्स। वो ये रेलिक मदर सुपीरियर और सिस्टर जूलिया के पास लेके जाती है। हमें पता लगता है कि ये रेलिक वॉर के बाद खो गया था बट समहाउ आज नार्सिसा को मिल गया है। जूलिया यहाँ शक्ल बना रही होती है क्योंकि उसे नार्सिसा की इस तरह की अलौकिक शक्तियों में भरोसा नहीं था, साथ ही वो कुछ तो छुपा रही थी। खैर, इसके बाद हम नार्सिसा का एक नाइटमेयर देख पाते हैं जहां वो एक सिस्टर के साथ फ्रिटर्स खा रही होती है।
लेकिन एक्चुअली में वो एक आईबॉल थे। नार्सिसा इस नाइटमेयर से जग जाती है और वो काफी डरी हुई दिख रही थी, जो कि एक नाइटमेयर या विजन जैसा था, जिसे वो सिस्टर जूलिया के टोकने पर बाहर आती है। खुद के प्रेयर के बाद नार्सिसा बच्चों का प्रेयर्स करवाने लगती है, जहां वो इन बच्चों के साथ थोड़ा डांस वगैरह भी कर लेती है और देन लाइट ऑफ हो जाते हैं। रोजा को वहां एक कैंची मिलती है, जो कि सेम वही कैंची थी जिसे हमने नार्सिसा के कमरे वाले सिगार बॉक्स में देखा था। इसके पैरलर में हम नार्सिसा को देखते हैं, जो कि खुद को पनिश कर रही होती है। तभी अचानक एक बच्ची उठ जाती है। नार्सिसा बच्चों के कमरे में पहुंचती है और ये पाती है कि ये बच्ची इसीलिए चिल्ला रही थी क्योंकि कोई तो था जो उसका बाल काट लिया था। तभी वहां सिस्टर जूलिया आती है, जो कि अपने साथ रोजा को लेके आई हुई थी। और यहां सीन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो रोजा दूसरी बच्ची का बाल काट ली है। और इसके लिए सिस्टर जूलिया रोजा को थप्पड़ भी मारती है। रोजा बार बार कहना चाहती है कि यहां कुछ तो पैरानॉर्मल है, मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन सिस्टर जूलिया उसकी एक भी बात नहीं मानती है। और नार्सिसा यहां से एक चीज जरूर नोटिस करती है कि रोजा के हाथ में सिगार बॉक्स वाली कैंची थी, विच वॉज सरप्राइजिंग। तो अगले दिन रोजा को पनिशमेंट मिलता है, जिसके तहत वो एक सेल में बंद कर दी गई थी और उसे कुछ खाने पीने को नहीं मिलने वाला था। रोजा से मिलने नार्सिसा जाती है और वो रोजा से पिछली रात की सच्चाई पूछती है। रोजा बताती है कि इस कॉन्वेंट में एक स्पिरिट है और सिस्टर स्टाइनस, जिनकी आप रिप्लेसमेंट में हो, वो भी इसी स्पिरिट के कारण भागी है। ये स्पिरिट आपके साथ खेलना चाहती है, कैसे, आधा हैंगमैन बनाकर। अगर आप हैंगमैन का लीप कंप्लीट कर दोगे, वहां जिसका नाम लिखा जाएगा वो स्पिरिट उसको हंट कर देगी। सिस्टर स्टाइनस ड्रॉ कर देती है ऐसा दिखाने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाद में वो खुद इतना ज्यादा डर जाती है कि वो खुद यहां से चली गई, सी लेफ्ट। अब ये सुनते ही नार्सिसा को ध्यान में आता है कि वो भी अपने कमरे के आसपास ये हैंगमैन वाली ड्रॉइंग देखी है। रोजा ये भी ऐड करती है कि अगर तुम्हारा नाम अपीयर होता है बोर्ड वगैरह पे, तो इसका मतलब तुम कर्ज्ड हो। तो उसके अगले सीन में नार्सिसा ड्रेस पहन रही होती है, जिसमें वेल भी था, और फिर उसे वही नाइट में आता है जिसमें वो उसी वेल में चोक हो रही थी और उसकी ड्रेस फट रही थी। अचानक नार्सिसा की नींद खुलती है और वो अपने कमरे में हाफ हैंगमैन की ड्राइंग दीवार पे देखती है। खरोजन क्लास में नार्सिसा एक्लिप्स वगैरह के बारे में बात कर रही होती है और यहाँ एक पॉइंट डिस्कस होता है कि एक्लिप्स के दौरान सन में डायरेक्ट ज़्यादा देर देखने से आंखों की रोशनी चली जाती है। अब क्लास के दौरान एक अजीब चीज हुई कि बोर्ड में रोजा का नाम लिख गया। क्लास के सारे बच्चे इस घटना को देखने के बाद डर से गए थे। सिस्टर नार्सिसा को रोजा के बातों में यकीन होने लगा था। नार्सिसा रोजा को अपने कमरे में ले जाती है और नार्सिसा और रोजा मिलकर पेन से हैंगमैन वाली ड्रॉइंग कंप्लीट करने लगती है। अब पहले तो यहाँ कुछ नहीं होता है, लेकिन अचानक ही रोजा नार्सिसा से कहती है कि वो स्पिरिट आपके पीछे है। अगले ही क्षण रोजा एकदम से गायब हो जाती है और नार्सिसा रोजा को पूरे कॉन्वेंट में ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते नार्सिसा की मुलाकात सिस्टर जूलिया से होती है, जो नार्सिसा पे चिल्लाने लगती है। नार्सिसा ये सब इग्नोर करके प्रेयर रूम में चली जाती है, जहां उसे कन्फेशन बॉक्स से रोजा की अजीब आवाज़ सुनाई देती है। ये बॉक्स लॉक्ड था, जिस वजह से नार्सिसा ऑपोजिट वाले बॉक्स में जाती है और यहां नार्सिसा पे ये स्पिरिट हमला करती है। नार्सिसा हॉल्स में से कई आइज देख पाती है और कई हैंड्स भी, जो उसे ड्रैग करने लगती है। नार्सिसा किसी तरह से बॉक्स से निकलती है और एकदम से रोजा का बॉक्स खुलता है, जहां रोजा की बॉडी लटकी पड़ी थी। वो स्पिरिट रोजा को मार दी थी। इस घटना से पूरा कॉन्वेंट शॉक्ड में था और सिस्टर जूलिया नार्सिसा को और भी भला बुरा सुनाती है। नार्सिसा रोए जा रही थी और वो अपना सामान लेकर कॉन्वेंट से बाहर चली जाती है। अभी एक्लिप्स होता है और नार्सिसा रोते हुए पूरे एक्लिप्स के दौरान मानो किसी ट्रांस में हो, इससे उसकी आंखें वाइटिस्ट होने लगती हैं। यहाँ नार्सिसा को कुछ विजन आते हैं, जिससे वो पूरे कॉन्वेंट में हुए घटनाओं को देख पाती है। अब वो विजन में क्या था, वो मैं आप लोगों को कुछ ही देर में बताऊंगा। फिलहाल नार्सिसा को सिस्टर जूलिया और मदर सुपीरियर उसे कमरे में लाती है और हम देख पाते हैं कि नार्सिसा की आंखें एकदम से जल सी गई थी। उसकी आंखों पे महरम पट्टी किया जाता है और इसके बाद नार्सिसा मदर सुपीरियर से सिगार वाले बॉक्स लाने को कहती है, जिसको छूते ही नार्सिसा को और भी विजन आते हैं और अब उसे सब कुछ मालूम चल गया था। दरअसल वॉर के समय यहाँ कॉन्वेंट में कई लुटेरे और वॉर क्रिमिनल्स लोग आए थे और इस कॉन्वेंट को तहस नहस कर रहे थे, और उसमें से एक बंदा सिस्टर सोकोरो के साथ जबरदस्ती किया था और लुटेरे और क्रिमिनल्स वगैरह चले गए थे।
उस घटना के परिणाम अनुसार सिस्टर सोकोरो प्रेग्नेंट हो जाती है और उनको एक बेटी भी होती है, लेकिन यह कॉन्वेंट के लिए सिंह जैसा था, इसीलिए मदर सुप्रियर ने उस बच्ची को छुपा देती है और उसे पाल रही होती है कि आउटसाइड वर्ल्ड को इस कांड के बारे में पता ना चल सके। इस बच्ची को कॉन्वेंट के बाहर ले जाना अलाउ नहीं था। इनफैक्ट जब वो बच्ची बड़ी हो जाती है तब वो एक दिन बहुत ही बीमार पड़ जाती है। ऐसे सोकोरो अपनी बेटी को अस्पताल ले जाना चाहती है, लेकिन मदर सुपीरियर, सिस्टर जूलिया और आइनस मिलकर सोकोरो से उसकी बच्ची छीन लेती है और एकदम से सोकोरो को कमरे में बंद कर देती है। बच्ची का फीवर उतारने के लिए उसे पानी से भरे बाथटब में लेटाने लगती है। ये बच्ची छटपटा रही थी, अपनी मम्मी को पुकार रही थी, लेकिन सिस्टर के मुक्के से बच्ची का सर टब के कॉर्नर से लग जाता है। इससे उस बच्ची की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जब सोकोरो को अंदाजा होता है कि उनकी बच्ची मारी गई है तो वो एक चेयर पर चढ़ती है और खुद को ही कमरे में मार लेती है। यही वजह है कि इस पूरे मूवी में आप इस चेयर को बार बार गिरते देखते हैं, क्योंकि वो सोकोरो के डेट से सिग्निफाइंस कर रहा था। इस बात को सुनकर आप ये समझ गए होंगे कि ये जो कमरा है जिसमें फिलहाल नार्सिसा रह रही है वो कमरा सोकोरो का था। ये तो सीक्वेंस था, वो बहुत ही अजीब तरह से हमें पोर्ट्रे किया गया है, मतलब बहुत ही अजीब प्ले होता है जहां हमें पास्ट और प्रेजेंट के व्यूज पैरेलल में दिखाए जाते हैं। पास्ट के सीक्वेंस में जैसे जैसे सोकोरो सिस्टर जूलिया और मदर सुपीरियर को मार रही थी, सिमिलरली ये लोग प्रेजेंट में चोटिल होके या खून की उल्टी करके मारे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट में सिस्टर जूलिया के शकल पे कुछ तो गिर जाता है जिससे वो मरती है, और प्रेजेंट में भी उनका शकल पचक जाता है। वहीं मदर सुप्रियर खूनी बाथटब में पास्ट में डूब रही थी और प्रेजेंट में वो खून की उल्टी करके उसी तरह मारी जाती है जबकि वो टेबल पे थी। इस पूरे सीक्वेंस के एंड तक नार्सिसा की आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे और इन द एंड सोकोरो और उसकी बेटी की आत्मा रीयूनाइट होती है बाथटब के पास, उसी बाथरूम में। यहीं पे मूवी का प्लॉट खत्म हो जाता है, लेकिन एंडिंग से पहले हमें एक और सीन दिखाया जाता है। तो अब ये दृश्य कैसा लगे का है। इनफैक्ट द प्रेजेंट डेट वॉज 20th of March 1991। इतने सालों में नार्सिसा बूढ़ी हो चुकी है और उनकी आंखें वैसे ही वाइट है। उन्हें स्कूल में लाया गया है और जिस क्लासरूम में उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है और किसी का नहीं बल्कि वेरोनिका का क्लासरूम होता है। वेरोनिका की दोस्त नार्सिसा के लुक को देखकर उन्हें सिस्टर डेथ नाम देती है, और वेरोनिका के साथ आगे क्या हुआ है ये सब तो आप जानते होंगे। वैसे अगर आपने वेरोनिका फिल्म देखी है तो वहाँ पे सिस्टर डेथ है जिनकी आंखें अजीब है। वेल, ये सिस्टर डेथ है और उनकी ही कहानी अभी तक आप जान रहे थे। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी सिस्टर डेथ मूवी की पूरी कहानी। और यहाँ थ्योरी जैसा ऐसा कुछ खास तो नहीं है, एक्सेप्ट फॉर फैक्ट कि ये मूवी डायरेक्टली वेरोनिका से कनेक्ट होती है। वैसे वेरोनिका एक ट्रू स्टोरी बेस्ड है और सिस्टर डेथ के साथ ऐसा नहीं है, और इस पॉसिबल कि हमें फ्यूचर में सिस्टर डेथ की और फिल्में देखने को मिलेगी, क्योंकि उनकी लाइफ में 1950 से 1991 तक क्या कुछ हुआ है ये हमें मालूम नहीं है। तो हाँ, हम उम्मीद रखते हैं कि फ्रेंचाइजी की और फिल्में भी जल्दी हमें देखने को मिलेगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।